हर घरेलू महिला की प्रेरणा स्रोत 94 साल की हरभजन कौर बनी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, शुरू किया अपना स्टार्टअप, छा रही है सोशल मीडिया पर इन दिनों। वर्तमान में पुरुष हो या महिला, हर कोई अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कोई भी फील्ड हो, अपने आप को बेहतर साबित करने में सफल हुई हैं। आज की एक ऐसी ही कहानी है जो हर महिला को प्रेरित करती है, जिसे काम करने की लगन और किसी भी उम्र में अपनी मंजिल को पाने का जुनून बढ़ाती है। इस कहानी की नायिका 94 साल की हरभजन कौर है, जो अपनी बेसन की बर्फी से इस कदर फेमस हुई कि उन्हें आनंद महिंद्रा ने दिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब। हरभजन कौर की कहानी हर उस महिला की कहानी है जो कामयाबी हासिल करना चाहती है, लेकिन घर गृहस्थी संभालने और बच्चों की परवरिश में अपना टैलेंट दिखाने में असफल रहती हैं। घर परिवार की जरूरतें पूरा करने में महिलाएं अपने बारे में सोच ही नहीं पाती, लेकिन वक्त बीतने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो भी अपना करियर बना सकती थी। एक शोध के अनुसार बहुत सी महिलाएं 40 की उम्र तक आते आते इसी फीलिंग की वजह से डिप्रेशन का शिकार होने लगती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपने टैलेंट से कुछ हासिल नहीं किया। इस तरह के विचार आने लगते हैं। ऐसी ही महिलाओं को जीने का नया नजरिया दिया है 94 साल की हरभजन कौर ने, जिन्होंने अपने माध्यम से समाज की उन सभी महिलाओं को ये संदेश दिया है कि बिजनेस शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। हरभजन ने 94 साल की उम्र में जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की, वो हर महिला के लिए मिसाल है। हरभजन की अपने काम के लिए लगन और जज्बे को आनंद महिंद्रा ने भी सलाम किया और उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर करार दिया। हरभजन कौर के व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन से जुड़ी जानकारी। हरभजन कौर ने एक दिन बातों बातों में अपनी बेटी से कहा कि मैंने अपने जीवन में अब तक एक रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन कमाना चाहती थी। उनकी बेटी ने अपनी माँ के इस बात पर बहुत विचार किया और उन्हें अपना काम शुरू करने और बर्फी बनाने के लिए प्रेरित किया। हरभजन कौर की बेटी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा टैलेंटेड रही हैं कि हमें कभी भी खाना खाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। हमने बाहर से चॉकलेट भी नहीं खाई, हमने बचपन से ही माँ की बेसन की बर्फी खाई, इसलिए मैंने उन्हें इसी से बिजनेस शुरू करने के लिए कहा। माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए हरभजन कौर की बेटी ने अपने आसपास के दुकानदारों से बात की और उन्हें पहला 5 किलो बर्फी का ऑर्डर मिला। इसके बाद हरभजन कौर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उनकी टेस्टी मिठाइयाँ चर्चा का विषय बन गईं। उनकी रसोई में ऑर्डर पर कई दूसरे आइटम्स भी तैयार होने लगे। इनमें बादाम का शरबत, लौकी की आइसक्रीम, टमाटर की चटनी, दाल का हलवा और टेस्टी अचार जैसी चीज़ें शामिल थीं। हरभजन कौर के बिजनेस में बेटी और उनकी नातिन भी मदद करती हैं, लेकिन वो खुद पूरे काम पर नज़र रखती हैं। घर का कोई भी सदस्य बिना उनकी इजाज़त के उनकी रसोई का सामान छू नहीं सकता। मेवे बीनने, छांटने, धोने, सुखाने से लेकर मिठाइयाँ बनाने के पारंपरिक तरीकों को वो खुद ही मॉनिटर करती हैं और इसलिए उनकी स्वीट डिशेस का स्वाद अलग है। हरभजन कौर बताती हैं कि जिस बर्फी से वो हर जगह मशहूर हुई, उन्होंने इसे बनाना अपने पिता से सीखा था। इस तरह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ 100 साल पुराना स्वाद का जादू भी कायम रखा। हरभजन ने अपने शेफ नाती के साथ अपनी रेसिपीज शेयर की हैं और फिलहाल वो अपनी दादी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।